आपने अब तक बहुत सारी बारातें देखी होंगी, लेकिन ये बारात दिल को दहला देने वाली है। यहाँ बारात के नाम पर मजाक किया जा रहा है। ये मजाक है धर्म का, ये मजाक है सभ्यता का, संस्कारों का। ये शादी क्यों चर्चाओं में बनी हुई है, आइए जानते हैं। आपने रामायण में देखा होगा, सीता स्वयंवर में राजा जनक एक शर्त रखते हैं कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। जहां अलग अलग देशों के राजा आते हैं और अंत में राम धनुष को तोड़कर सीता को वर कर ले जाते हैं। इसी तर्ज में बिहार के सारण जिले में भी एक स्वयंवर रखा गया, जिसमें पहले दूल्हे ने धनुष को तोड़ा, फिर सात फेरे लिए। ये अनोखी शादी चर्चाओं में बनी हुई है। ये शादी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। क्या ये धर्म का मजाक है? क्या इस तरह से शादी करना सही है? दूल्हे को अपने शौक के लिए धनुष तोड़ना रामायण का अपमान है। जहां एक तरफ इस अनोखी शादी से चारों ओर चर्चाएं तेज हो रही हैं, वहीं कोरोना के समय पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोनों हाथ उठा के अनाउंस करते हैं कि जो यह वीर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता विवाहित होगी। लेकिन कारण है कि वहाँ बहुत सारे वीर थे, यहाँ एक वीर आए हैं जो छपरा से चल कर के, छपरा महमदा गांव से यहाँ राम के रूप में पधार चुके हैं। यह जो राम के रूप में जो पूजनीय है वो आपके सामने में धनुष तोड़ेंगे और सीता के रूप में जो बच्ची है उनको जयमाला जो है सो पहराएगा। आप लोग ताली से जरा स्वागत करेंगे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष उठा लिए हैं। हल्ला काम कीजिए आप लोग। बाबा दीजिए।